Hello and welcome back to your aspirant. So today we will discuss here Lycidas by John Milton. Exam ke point of view se important notes iske yahan par milenge aapko. To aap apne important notes ready kar lenge aur saath mein Lycidas jisme jo unhone apne friend Edward King ki death par likhi thi. Okay, so let's discuss about Lycidas. Channel ko subscribe kar dijiye video ko shuru karne se pehle jisse ki new notification aapko jaldi se mil jaye. Mock test 15 अक्टूबर को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है. उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, तो अपनी प्रिपरेशन रखिए और उससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है. अपने आप को इवेलुएट कीजिए. ओके, सो लेट्स बिगिन लिसिडस. लिसिडस पोयम जॉन मिल्टन की पोयम है जिसको उन्होंने 1637 में लिखा था, जिसको एडवर्ड किंग की डेथ पर उन्होंने लिखा था. ये एलिजीज की एक सीरीज है, एलिजीज में इसको इंक्लूड किया गया है. ओके, मिल्टन्स की कंटेम्प्रेरीज जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में उनके साथ थे और जो मींस उनके समकालीन भी उनको बोला जाता है, कंटेम्प्रेरीज बोला जाता है. 1637 में एक शिप रैक में वो डूब गए थे जिससे उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्हीं की याद में उन्होंने ये पोयम लिखी है. एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे. लिसिडस, ओके. तो यहाँ पर ये जो पोयम है इसमें वो विलाप करते हैं एक वर्चुअस और प्रॉमिसिंग यंग मैन के खोने पर. वर्चुअस मीन्स जो गुणों से भरा हुआ यंग मैन था, उसके खोने पर वो यहाँ पर मौन करते हैं. ये जो पोयम है यहाँ पर कन्वेंशन ऑफ द क्लासिकल पेस्टोरल एलेजी शो करती है, मीन्स शास्त्रीय जो पेस्टोरल एलेजी है जो कि उसको शो करती है. ये जो लिसिडस है ये वर्जिल के एक्लोग्स में एज अ शेफर्ड था, वहां से लिया गया है, ठीक है. यानी कि जो अर्लियर वर्क थे जिसमें वर्जिल के एक्लोग में इस लिसिडस को देखा गया था एज अ शेफर्ड, उसी को उन्होंने यहाँ पर एज अ शेफर्ड मानकर इस एलेजी को लिखा है. ओके, मिल्टन म्यूजेस ऑन फेम मीन्स मिल्टन ने अपने जो फेम वाली म्यूजेस है उसको अपनाते हुए और जो एग्जिस्टेंस है उसको अपनाते हुए यहाँ पर डिस्कस किया है. ओके, अब इसके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं जिसमें एक शेफर्ड है, ठीक है. शेफर्ड जो वो अपने आप को मानते हैं और इस पोयम के ज्यादातर भाग में जो शेफर्ड है वो अपने डेथ, जो उसके फ्रेंड की डेथ हो चुकी है लिसिडस, उसके दुख के बारे में सॉन्ग गाता हुआ कहता है. अब मिल्टन कहते हैं कि जो पेस्टोरल एलेजी है जिसमें जो शेफर्ड वहां पर जो उनका प्रेम खो गया है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, शोक मना रहे हैं, ठीक है. वहां पर जो प्रतियोगिता होती है, गायन होते हैं, शोक मनाते हुए उन सारी चीजों में भाग ले रहे हैं, यानी कि मौन करते हुए जो सारे रीति रिवाज होते हैं किसी अपने की डेथ पर, उन सब में भाग वो ले रहे हैं, ठीक है. दूसरा जो इसमें पार्ट है लिसिडस, जो उसमें कैरेक्टर है लिसिडस, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना लिसिडस की, ठीक है. लिसिडस, लिसिडस यहाँ पर एक मेन सब्जेक्ट हो जाता है जिसको पोएट यहाँ पर स्पीकर्स यूलॉजी एंड मिल्टन स्टैंडर्ड फॉर हिज डेड फ्रेंड. लिसिडस यहाँ पर मिल्टन जिसके बारे में अपने डेथ अपने फ्रेंड की डेथ के बारे में डिस्कस करते हुए बोलते हैं कि वो एडवर्ड किंग के लिए खड़े हैं. लिसिडस नाम एक पेस्टोरल एलेजी से आया था जहां पर थियोक्रेट्स और वर्जिल की जो पोयम है वहां से ये लिया गया था. अक्सर क्या होता था, जो अर्ली पोयम है ना, जो अर्ली वर्क्स लिखे गए थे, जो जहां पर वर्जिल और थियोक्रेट्स वगैरह आते थे, उनकी पोयम में ये शेफर्ड देखने को मिलता था और वहीं से उन्होंने ये लिसिडस लिया है. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो लिसिडस है वो कहाँ से लिया गया, ये आइडिया कहाँ से आया, ठीक है. तो आपका आंसर होगा जो थियोक्राइडस और वर्जिल है उन्होंने अपनी पोयम में इस लिसिडस नाम के कैरेक्टर को यूज किया था और इसी को ही मिल्टन ने वहां से लिया है. नेक्स्ट बात करते हैं फेबस की, ठीक है. फेबस जो ग्रीक जो रोमन नेम है अपोलो, ठीक है, जो कि एक ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड है, फेबस वहां से लिया गया है. यानी कि ग्रीक की जो माइथोलॉजी है, पौराणिक कथाएं जो होती हैं उसमें एक गॉड का नाम अपोलो है, ठीक है, और ये ग्रीक नेम है, ये आपको याद रखना है. जिसमें जो मिल्टन है वो वहां पे कंसोल करने के लिए आता है, सांत्वना देने आता है और सोचता है कि क्या उसे पोयम लिखना, पोएट्री लिखना जारी रखना चाहिए,
हालांकि यहाँ पर जो पॉयट है वो कहते हैं कि जो पोयम है उसको पृथ्वी पर फेमस हो सकती है, पृथ्वी पर मींस और नहीं भी हो सकती। तो अपोलो यहाँ पर उस पोयम को हेवन में भी फेमस करने की बात करते हैं, ठीक है। मिल्टन कहते हैं कि क्या अर्थ पर ये जो पोयम वगैरह है फेमस हो सकती है, लेकिन अपोलो बताते हैं कि सिर्फ हेवन पृथ्वी पर ही नहीं, ये तो हेवन में भी फेमस होती है। कौन? पोयम्स, ठीक है। और वहां पर भी इनको पुरस्कृत किया जाता है, विल बी रिवार्डेड। तो अब यहाँ पर जो अपोलो है वो एक ग्रीक गॉड है और मिल्टन एक क्रिश्चियन थॉट रखने वाले व्यक्ति हैं। तो दिस इज वन ऑफ मैनी क्रिश्चियन पैगन फ्यूजन इन लिसिडस, और इसीलिए वहां पर बहुत सारे क्रिश्चियन पैगन की फ्यूजन दिखाई देते हैं, ठीक है। लिसिडस में या ये फेबस जो है ये एक रोमन गॉड का नाम है जो कि अपोलो है, उसको यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मिल्टन ने बोला है कि क्या पोयम अर्थ पर भी फेमस हो सकती है, और वो कहते हैं कि सिर्फ अर्थ पर ही नहीं, ये हेवन में भी फेमस होती है, इस तरह की जो पोएट्री होती है। और मिल्टन ने यहाँ पर एक क्रिश्चियन जो विचारधारा है उसको भी रखा है लिसिडस में, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आते हैं वो आते हैं पायलट, ठीक है, द पायलट। ये आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जब वहां पर फ्यूनरल होता हो रहा होता है, ठीक है, किनका? एडवर्ड किंग का। तो वहां पर जो जुलूस निकाला जाता है, पायलट ऑफ द गैलिलियन लेक जो है वहां पर, वो सेंट पीटर यीशु जो है उनके शिष्यों में से एक है, ठीक है, और वो उस फ्यूनरल में भाग लेने आते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, सेंट पीटर यीशु के प्यूपिल्स में से, शिष्यों में से एक है, और वो उस फ्यूनरल में वहां पार्टिसिपेट, भाग लेने आते हैं। ही इज आइडेंटिफिकेबल मींस उनको पहचाना जाता है दो कीज से, दो ऐसे कीज हैं। सेंट पीटर हमेशा अपने साथ एक ऐसी चाबी रखते हैं जो स्वर्ग और नर्क दोनों के द्वार खोल सकती है, ठीक है। उसके बाद जो सेंट पीटर है वो वहां पर चर्च में जो भी डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि चर्च में जो भी करप्शन हो रहा है उसके बारे में कटाक्ष करते हैं, और जो अंग्रेजी पादरी है या चर्च में रहने वाले हैं जो वहां की देखभाल करते हैं उनको वो बैडमैन बताते हैं, यानी कि वो एक बैड शेफर्ड की तरह से है, ठीक है। और बहुत सारे वहां पर जो लोग हैं उनके शोक गीत में जो उनका उनकी स्पीच है वो बहुत ज्यादा अजीब वहां पर लगती है। किसकी? द पायलट की, ठीक है। फिर से समझिए, द पायलट ए वहां पर फ्यूनरल में भाग लेने आए हैं जो कि गैलीलियन लेक के पायलट हैं। ये नाम आप ध्यान रखेंगे कि वो किस चीज के पायलट हैं, गैलीलियन लेक के। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। गैलीलियन लेक, कौन सी लेक के पायलट बोला गया है इनको? गैलीलियन लेक के इनको पायलट यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो जो कि वहां पर फ्यूनरल में पार्ट लेने पहुंचते हैं और वहां पर वो चर्च के बारे में बोल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार वगैरह है, और जो पादरी हैं वो वहां पर बहुत ज्यादा क्लर्जी मैन है वो बहुत ज्यादा बुरे हैं, उनके बारे में बताया गया है। लेकिन जब वो इस तरह से शोक गीत पर, एलेजी पर इस तरह का भाषण देते हैं तो वो वहां पर बहुत ज्यादा अजीब लगता है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसमें आते हैं जो सेकंड स्पीकर हैं उनके बारे में बात करते हैं। सेकंड स्पीकर जो कौन है इसमें, लास्ट की जो 8 लाइन्स हैं उनमें अब शेफर्ड वहां पर साइलेंट हो जाता है और एक नया स्पीकर उनकी जगह ले लेता है, ठीक है। नए स्पीकर से मतलब कौन क्या है कि नया स्पीकर, उसी को ही सेकंड स्पीकर बोला जाता है, और वही पूरे जो सीन है उसका वहां पर अवलोकन कर रहा है, उसी को ही वो वहां पर डिस्क्रिप्शन दे रहा है और कहता है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि शेफर्ड का जो सॉन्ग है वो सब कुछ उसमें सब कुछ बोला गया हो, सब कुछ सुनाया गया हो, लेकिन जो पोयम का लास्ट वाला राइम है वो वहां पर बोलना शुरू करता है, फाइनल स्टेंजा वो सेकंड स्पीकर बोलना शुरू करता है। अब मिल्टन ने जो सेकंड स्पीकर है या जो न्यू स्पीकर है उससे अपने आप को मैच करने के लिए जो पोयम है उसके मीटर को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। और मीटर को चेंज करते हुए कैंजॉन टू ओटवा राइमा, ठीक है, कैंजोन से ऑटवा राइमा में वो अपनी जो पोयम है उसको चेंज कर लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लास्ट वाला स्टेंजा है उसमें वो कैसे चेंज करते हैं। एक 8 लाइन स्टेंजा विद 10 और 11 सिलेबस पर लाइन, जिसमें
ठीक है, पर लाइन में 10 और 11 सिलेबस होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाला स्टेंजा है उसको वो कैंजोन से ऑटवा राइमा में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि जो मिल्टन के लिसिडस है, या फिर किस पोयम में लास्ट की 8 लाइन का स्टेंजा चेंज हुआ है, या किसके लिए चेंज हुआ है, सेकेंड स्पीकर के लिए, मिल्टन खुद को उसमें मिक्स करने के लिए इसको चेंज कर देते हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यस, इनके कैरेक्टर्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और जो इनके कैरेक्टर्स के बारे में है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको ध्यान से स्टडी करेंगे। इसमें एक फेमस लाइन भी आती है, तब यहाँ पर गेट वंस मोर ऑल योर लॉरियल्स एंड वंस मोर। ओके, तो इस तरह की प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पूछी गई लाइन्स है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। ये मार्टिलस ब्राउन विद आईवी नेवर सर मीन्स फिर एक बार प्रिय एक बार, और ये जो ब्राउन कलर के आईवी है, ठीक है, ये तुम्हारे साथ कभी नहीं, जो तुम्हारे हार्ड और बेरिश, हार्श एंड क्रूड, हार्ड और कच्चे जो जामुन है उनको तोड़ के लेकर आता हूँ, और एंड विथ फोर्स फिंगर रूड, और अपनी मजबूर उंगलियों से रूड हो जाता हूँ, मधुर वर्ष से पहले अपने पत्ते तोड़ लाओ। ये जो लाइन्स हैं ये लिसिडस की 1 to 5th लाइन में से ली गई हैं, और ये यहाँ पर उनको एडवर्ड किंग को एड्रेस करते हुए बोल रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये पोयम है जो स्टार्ट होती है स्पीकर से कि जो पत्ते इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, किसके लिए, फ्यूनरल के लिए, किसके फ्यूनरल के लिए, अपने फ्रेंड के फ्यूनरल के लिए पत्ते इकट्ठे करता है, और यहीं से ये पोयम बिगिन होती है। ठीक है, वो बेरीज तोड़ रहा है, ठीक है, और जो अभी तक नॉट येट राइपेंड, ठीक है, जो अभी तक पकी नहीं है उनको वो तोड़ रहा है, मींस मौसम से पहले ही वो सब कुछ खत्म कर दे रहा है। वो यहाँ पर अपने फ्रेंड के लिए बोल रहा है कि मौसम से पहले ही वो सब कुछ खत्म हो गया है, सीजन खत्म भी नहीं हुआ है, और वो सब कुछ खत्म कर देता है, अपने फ्रेंड को यहाँ पर एड्रेस करते हुए बोल रहा है। यानी कि लिसिडस की तरह ही जो प्लांट्स हैं वो भी समय से पहले ही मर जाते हैं, जब वो पत्ते तोड़ता है तो वो इस तरह की बात करता है। अब यहाँ पर स्पीकर डिसाइड करता है उसके लिए एक एलेजी लिखने की, यानी कि एक शोक गीत लिखने की, ठीक है, जिसे कि हम पढ़ रहे हैं। ये वही एलेजी है जिसे हम पढ़ रहे हैं। स्टैंजा 2 में यहाँ पर जो पॉयट है वो म्यूज जो पॉयट है वो संगीत से, यानी कि म्यूजिक से भरने के लिए कहता है कि जैसे कि थियोक्राइटस और वर्जिल अपनी पेस्टोरल एलेजी में, जो उनकी पेस्टोरल पॉयम्स हैं और वो पेस्टोरल पॉयट्स हैं, वो शुरू करते हैं अपनी पोयम को, उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं भी इस पोएट्री को शुरू कर रहा हूँ। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। स्टेंजा 2 में मिल्टन खुद से थियोक्राइटस और वर्जिल का जिक्र करते हुए बोलते हैं, ठीक है, स्टेंजा 2 में उन्होंने बोला है। नेक्स्ट स्टेंजा 3 में यहाँ पर स्पीकर अब जो लिसिडस है रूरल इमेजरी की तरफ मुड़ जाते हैं कि उन्होंने ही स्पेंट विद लिसिडस इनवॉकिंग रूरल इमेजरी। ठीक है, यहाँ पर जो स्पीकर है वो अब रूरल इमेजरी को आह्वान करते हुए लिसिडस के साथ जो बिताए हुए दिन है उनको याद करते हैं। यहाँ पर लिसिडस वो किसे बोल रहे हैं, एडवर्ड किंग को बोल रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें, वो मेमोरीज जो उन्होंने एडवर्ड किंग के साथ बिताई थी उनको याद करते हुए बोल रहे हैं। सेल्फ सेम हील स्टेंजा 3 में उन्होंने इस वर्ड का यूज किया है, और कहा है कि जहां उन्होंने साथ साथ वो सीखा था, मींस वो पढ़ाई की थी, और वो अदर डेज को याद करते हैं, ठीक है, कि कैसे वो एक साथ रहते थे, वहां खेलते थे। स्टेंजा 4 में वो डिस्क्रिप्शन देते हैं लैंडस्केप के परिदृश्य का, और उनका वहां पर डिस्क्रिप्शन देते हुए कहते हैं कि जैसे हम लैंडस्केप को देते थे तो हमारा मूड भी उन्हीं की तरह से ट्विस्ट होता था, जैसे लैंडस्केप ट्विस्ट होती है इसी तरह से हमारा मूड भी ट्विस्ट होता था। स्टेंजा 5 में वो बोलते हैं कि अब वो यहाँ पर निम्फ से पूछते हैं, निम्फ यानी कि अप्सराओं को संबोधित निम्फ करते हुए कहते हैं, निम्फ से पूछते हैं कि व्हाई दे वर नॉट देयर टू हेल्प लिसिडस, कि उन्होंने लिसिडस की जब डेथ हुई तो वो उनकी हेल्प करने के लिए वहां क्यों नहीं आई थी। तब उन्हें रियलाइज होता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही कोई सिनेरियो है जिसमें लिसिडस जीवित होता, मीन्स जिसकी मृत्यु होनी होती है वो चला ही जाता है, फिर अपने आप ही वो ये चीज बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे स्टेंजा 3 में वो रिकॉल करते हैं लिसिडस को और उनके साथ जो बिताए हुए दिन है उनको,
मेमोरीज को और सेल्फ सेम हिल को, और स्टेंजा फोर में वो डिस्क्रिप्शन देते हैं लैंडस्केप को और खुद को न्यू मोड के साथ ट्विस्ट कर लेते हैं। और स्टेंजा फाइव में वो निम्स को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि जब लिसिडस की मृत्यु हुई तो वो वहां क्यों नहीं थी, और फिर खुद ही उसको बोल देते हैं कि लिसिडस को किसी भी हालत में मीन्स वो जीवित नहीं होता, जिसके डेथ होनी होती है वो हो ही जाती है। स्टेंजा सिक्स में जो पॉयट है वो कहते हैं कि पहले तो पोयम बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रही थी, मेजर क्राइसिस ऑफ द पोयम, बहुत ज्यादा क्राइसिस इस पर थे, फिर वो वहां पर इनकम्प्लीश होते हुए सोचते हैं, मीन्स आश्चर्य करते हुए सोचते हैं कि पोयम क्या कुछ हासिल कर सकती थी, मीन्स जो हमारी अर्थ पर फेमसनेस है वो उसकी लिमिटनेस पर वहां विचार करते हुए बोलते हैं कि जो गॉड अपोलो है, ठीक है, फेबस, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है ना, गॉड अपोलो फेबस, वो भी वहां पर उसको सांत्वना देने आते हैं कि तुम्हारी जो ये पोयम है ना सिर्फ अर्थ पर ही फेमस नहीं है, ये हेवन में भी फेमस है, तो इसलिए जो तुमने फाइनल कॉन्सोलेशन में वो बोलते हैं कि जो रीसिरकेशन, ठीक है, रीसिरकेशन जो तुमने पुनरुत्थान का वादा किया था क्रिश्चियंस को, उसमें भी ये हेल्पफुल है, तो तुम इसे जारी रखो। ये कौन कहता है? गॉड अपोलो, जो उनको सांत्वना देते आते हैं, ठीक है। स्टेंजा सेवन और नाइन में अब यहाँ पर पोएट इमेजिन करता है कि किस तरह से जो वाटर गॉड्स हैं, यानी कि जल के जो देवता हैं, वो लिसिडस की डेथ पर वहां मौन करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, शोक मनाने के लिए आ रहे हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, स्टेंजा सेवन और नाइन में कौन आते हैं? वाटर गॉड्स आते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर वो उनसे क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन करता है कि शायद वो यहाँ जवाब देने आए हैं, है ना, कि लिसिडस की मृत्यु क्यों हुई, है ना, समय से पहले कैसे हुई। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अपना जो ये कलश है, फिल हिज अर्न, ये यहाँ पर बोला है ना कि आस्क देम टू फिल हिज अर्न विद वाटर, कि जो अपना कलश है उसको पानी से भरने और लिसिडस की जो डेथ है उस पर शोक मनाने के लिए क्या आप यहाँ आए हैं, ठीक है। वो किसे क्वेश्चन कर रहा है? ये जो वाटर गॉड्स हैं उनसे ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। अब नेपच्यून सन जो है, नेपच्यून का बेटा, क्या नाम है उनका? ट्राइटन, ठीक है। ट्राइटन वहां सबसे पहले पूछता है अपनी हवाओं के साथ जो उसके पीछे पीछे आती है, ठीक है, उनमें से कोई भी ये स्वीकार नहीं करता कि लिसिडस की मृत्यु उनकी वजह से हुई है, यानी कि कोई भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं आने देता कि लिसिडस की डेथ उन सब में से किसी की वजह से हुई है। वो कहते हैं कि हमारी तो विंड जो है बहुत अच्छी थी और जो वाटर है वो बहुत ज्यादा चिकना था, इसलिए वो जो शिप रैक हुआ, यानी कि वो जो जहाज था, पानी चिकना होने की वजह से वो डूब गया, और ये सब वो वहां पर बोलते हैं, ठीक है, कि जो वाटर था वो बहुत ज्यादा स्मूथ था, बहुत ज्यादा चिकना था, और इसी वजह से वो शिप वहां पर डूब गया। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग एन एक्लिप्स एंड डूम टू फेल, ठीक है, और ये सब कुछ एक एक्लिप्स के दौरान हुआ, ग्रहण के दौरान हुआ था, और सब कुछ असफल वहां पर हो गया। तो इस तरह से वो अपना वहां डिस्क्रिप्शन देते हैं। अब यहाँ पर जो सेंट पीटर है, यानी कि पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक, वो सबसे लास्ट में पहुंचते हैं लिसिडस की मृत्यु पर शोक मनाने, ठीक है। तो यहाँ पर जुलूस के वो सबसे अंत में आते हैं और लिसिडस के शरीर पर जो स्पीच वो देते हैं कि जल्द ही जो चर्च के लीडर्स हैं, चर्च के लीडर्स की जो मिस्टेक है वो उनके सरमन्स में बदल जाती है, यानी कि उनके उपदेश में वो बदल जाती है, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि जो शेफर्ड है वो एक ग्रुप में टूटे फूटे गीत गा रहे हैं। कौन है शेफर्ड यहाँ पर? ठीक है, मेल्टन। वो टूटे फूटे गीत गा रहे हैं और जो उनकी शीप है वो भूख से मर रही है, ठीक है। टू मैसी कीज यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं क्या? स्वर्ग और नर्क का द्वार, जिन्हें सेंट पीटर के पास से बचाए गए शापित जो लोग थे उन्हें उन्हें वहां पर ले जाने की शक्ति है, ठीक है। तो स्ट्रेंजर नाइन में यहाँ पर जो स्पीकर है वो फ्लावर से लिसिडस का स्वागत करने के लिए बोलता है और कहता है कि जो शोक मनाया जाए वो फ्लावर से मनाया जाए। और फिर अचानक से उसे याद आता है कि लिसिडस की कहीं बॉडी कहीं समुद्र में है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कोई उचित वहां पर हम फ्यूनरल कर सकते हैं। स्ट्रेंजर टेन में स्पीकर इमेजिन करता है कि अब जो है सन डूबने को है,
ठीक है, सन सेटिंग ओनली टू राइज अगेन, और वो सिर्फ इसीलिए डूब रहा है क्योंकि उसको दोबारा से उगना है। और इसी तरह से वो इमेजिन करते हुए यहाँ पर मेटाफर बोलता है, एज अ मेटाफर यहाँ पर बोलता है कि इसी तरह से जो क्रिश्चियन है उनका भी उनका भी पुनरुत्थान यहाँ पर होगा, यानी कि उनका भी पुनरुदय यहाँ पर होगा, जो कि एक मेटाफर यहाँ पर शो करता है। ठीक है, किसकी तरह से उन्होंने बोला है कि जैसे द सन सेटिंग ओनली टू राइज अगेन, जैसे कि सन दोबारा से उगने के लिए होता है, उसी तरह से ये जो छवि है, ये जो इमेज है, ये भी क्रिश्चियन के पुनरुत्थान के लिए ही होती है। ठीक है, और लिसिडस हेवन में फिर से उगने के लिए ही वो मर गया है ना, और जो राइजिंग सन है उसकी जो इमेज है उसी के माध्यम से यहाँ पर कविता में वो अपना जो लास्ट उसकी कॉन्सोलेशन है, सांत्वना है, वो देने यहाँ पर वो पहुंचते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर जो लास्ट में ये लाइंस बोलते हैं, लास्ट स्टेंजा में जब वो वहां पर अपनी सांत्वना देने पहुंचते हैं कि एंड नाउ द सन हैड स्ट्रेच्ड आउट ऑल द हिल्स, कि सूरज अब सारी पहाड़ियों तक फैल गया और जो वेस्टर्न बे है यानी कि पश्चिमी खाड़ी है अब उसमें वो छिप गया है। एट लास्ट ही रोज एंड ट्विस्ट हिज मेंटल ब्लू, और अब वह लास्ट में उठा और फिर से उसने अपने चारों ओर नीला नीला कर दिया सॉरी एंड टुमारो टू फ्रेश वुड्स, और जो कल फिर से नया फ्रेश वुड्स तैयार होगा और नए पास्चर वहां पर आएंगे, चारागाह वहां आएंगे। ठीक है, तो ये लाइंस उन्होंने 190 और 193 में बोली है। इन लाइंस में वो कहते हैं लास्ट स्टेंजा में कि जो शेफर्ड है वो शांत हो गया है और अब न्यू स्पीकर उसकी जगह वहां ले लेता है, और जो न्यू स्पीकर है वो उस शेफर्ड का वहां वर्णन करते हुए कहता है कि जो न्यू शेफर्ड है उनकी खोज हमें करनी चाहिए और उस जगह को, उस स्थान को हमें छोड़ देना चाहिए जहां लिसिडस की यादें हो या जहां हमने लिसिडस के लिए शोक मनाया हो। तो ये थी आपकी लिसिडस। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थोड़ी सी जो भी इसमें लाइंस वगैरह यहाँ पर इंक्लूड की गई है उन्हें ध्यान से पढ़िए, और हर एक स्टेंजा में जो यहाँ बताया गया है कि कहाँ पर क्या क्या शोक उन्होंने मनाया है, तो अगर आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि पोयम के बीच में से भी आपसे जो ये एलेजी है इसके बीच में से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं कि कौन कौन गॉड है या फिर कहाँ से इसको लिया गया है ना, जैसे फेबर्स आते हैं इसमें और अपोलो का जिक्र इसमें किया गया है, और थियोक्राइटस और वर्जिल्स के बारे में बताया गया है कि वहां से इसको ये शेफर्ड वहां से लिया गया है, और न्यू स्पीकर कहाँ आता है लास्ट स्टेंजा में, न्यू स्पीकर जगह लेता है मिल्टन की, है ना, नए चरवाहे की खोज में कि नया चरवाहा वहां पर आना चाहिए। तो ये आपकी लिसिडस पोयम हो जाती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपने अपने नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, 15 अक्टूबर को हम अरेंज करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, टीजीटी का मॉक टेस्ट लेते हैं, अगर ये सक्सेस होता है तो फिर पीजीटी का भी वहां पर रेडी कराया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आपको चैनल पर मिले वो जल्दी से आपको मिल जाए। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन करिए, अपने नोट्स बनाइए। मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो आप ही को मिलने वाला है, उससे ये आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और आपको क्या रेडी करना है, आपका वीक पॉइंट क्या है और आपका प्लस पॉइंट क्या है। ठीक है, ये आप ही के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वीडियो के लास्ट में मैंने ये बातें आपसे इसीलिए डिस्कस की हैं कि जो सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया है या फिर सब्सक्राइब जिन्होंने किया है या फिर जो रेगुलर चैनल देख रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, रेगुलर चैनल देखिए, अपने नोट्स रेडी कीजिए, जहां से भी पढ़ना है आप पढ़िए अपने नोट्स, लेकिन आपको जो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपके लिए हेल्पफुल हो, यही कोशिश है। ओके, सो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए एग्जाम तक, और एग्जाम तक कॉन्स्टेंटली रिविजन करते रहिए, सक्सेस आपके हाथों में होगी।